तो दोस्तों नमस्कार, इसके चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बताऊंगा दोस्तों जो YouTube चलाते हैं उन लोगों के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम क्या होता है। कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम दोनों लगभग सोचते हैं कोई कोई व्यक्ति की सेम ही होता है, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे दोनों का डिफरेंट बहुत ज़्यादा ही अंतर, आसमान जमीन का यहाँ पे फर्क हो जाता है कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक में। आप लोग क्या अथी आसमान जमीन का फर्क होता है इस वीडियो में हम बात बताएंगे। आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है और थोड़ा सा स्किप मत करिएगा तो नहीं वीडियो को समझ में आएगा। तो चले हम लोग वीडियो का यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो बोला जाता है कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक बिल्कुल दोनों डिफरेंट है। एकदम 100% आपको श्योर कहूँ कि मतलब यहाँ पे आसमान और जमीन का फर्क है, यानी अमीर और गरीबी का यहाँ पे फर्क होता है। अमीर और गरीबी का मतलब फर्क होता है, आप लोग को एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ अमीर और गरीबी के किस तरीका से। मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो आप लोग को एकदम गरीब से गरीब बना देगा कि यूट्यूब, यानी कि मतलब लेकर के आपको बीत जाएगा यूट्यूब। कि कॉपीराइट अगर स्ट्राइक आता है तो माने कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा तो आप लोग अगर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो आपका यानी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा, यूट्यूब डिलीट हो जाएगा आपका चैनल, यहाँ पे आपका कोई भी यूट्यूब आपको नहीं सुनेगा। ये यूट्यूब का कानून बनाया गया है, ये नियम बनाया हुआ है। ये कैसे आता है, आप लोग कैसे आता है, ये प्रोसेस है। मैं कॉपीराइट क्लेम मैं तुरंत एक्सप्लेन करता हूँ, इसको मैं पहले बता दूँ कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे आता है। आप लोग अगर किसी दूसरे वीडियो को कंटेंट यूज करते हैं, किसी दूसरे वीडियो को आप अपने वीडियो में यूज करते हैं, थोड़ा सा भी अगर लगभग बताया जाता है कि 10 सेकेंड तक आप लोग, 10 सेकेंड से कम तक आप लोग यूज कर सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा भी मत यूज करिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों के किसी का भी कंटेंट खुद का कंटेंट बनाइए, किसी का भी कंटेंट मत यूज करिए, खुद का कंटेंट बनाइए, खुद का वीडियो अपना बनाइए और यूट्यूब पे अपलोड करिए। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, आप लोग के हो जाएगा टोटल, यानी सब्सक्राइबर इंक्रीज करें, व्यू भी आएगा। आप लोग थोड़ा सा पहले मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अब कॉपीराइट स्ट्राइक वही एक ही कंपनी भी देती है जिसको आप वीडियो यूज करिएगा, वही कॉपीराइट स्ट्राइक भी देता है, कॉपीराइट क्लेम भी वही देता है। कॉपीराइट स्ट्राइक मान लिया कि आप उसका वीडियो यूज किए, अगर वो चाहता है कि मेरा वीडियो कोई नहीं यूज करे तो आपको वो कॉपीराइट स्ट्राइक कर देगा और उसका कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा, कॉपीराइट क्लेम भी दे देगा आपका। उसका जो कॉपीराइट स्ट्राइक देगा तो आपका वीडियो डिलीट हो जाएगा, आपका एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, अगर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो यूट्यूब चैनल आपको डिलीट हो जाएगा। अगर 1 कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो आपको यानी अब बच के रहना है कि मैंने किसी का भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आए। आप लोग कॉपीराइट स्ट्राइक समझ में आ गया। अब कॉपीराइट क्लेम भी वही कंपनी देती है। मान लें कि आपको जो भी जिस कंपनी का भी यूज करते हैं, यानी वीडियो ऑडियो यानी म्यूजिक जिसका भी आप लोग यूज करते हैं, वो भी कॉपीराइट क्लेम वही ही देती है, वही कंपनी देती है। तो आप लोग क्या करना है कि आप लोग अगर कॉपीराइट क्लेम आता है तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को डिलीट ही कर देना है। आप लोग को उस वीडियो अगर इनकम हो रहा है तो आपका जो है इनकम वो कंपनी ले चल जाएगा, जो जिसने कॉपीराइट क्लेम दिया है वो उसके पास चला जाएगा टोटल इनकम। अब आप लोग को आपका अब कंपनी में यहाँ पे अब अथी होता है कि मान लीजिए कि आप लोग कंपनी से बात कर लिए जिसका जो भी कॉपीराइट स्ट्राइक यानी जो भी चैनल दिया है कॉपीराइट क्लेम, तब उससे बात कर सकते हैं कि मेरा कॉपीराइट जो आपने क्लेम दिया है वो 50-50% आप लोग कर ले, हम लोग दोनों कर लेते हैं। कि मान लिया कि वो कॉपीराइट क्लेम आपने दे ही दिया तो चलिए कोई बात नहीं, मेरा व्यू आ ही रहा है, पैसा भी आ रहा है, तो आप लोग क्या करिएगा कि मेरा जो कुछ पैसा है आप रख लीजिए और कुछ मेरे तो को भी दे दीजिए कि मैंने हमने भी कुछ मेहनत किया है। उसमें आप लोग कर सकते हैं, आप लोग अब उसमें यूट्यूब का आप लोग कोई अथी नहीं है, उसने जो भी करना था वो कर दिया। अब आपका और जिसने कॉपीराइट क्लेम दिया है उसका में अब आप लोग क्या करते हैं, वो चाहता है कि मान लें कि नहीं हम 100% ही उसका पैसा यानी रख लें, वो अब अगर वो चाहता है कि नहीं थोड़ा मना दे देते हैं तो कुछ परसेंट, तो वो चाहता है कि अगर देना चाहता है तो आप वो आपको दे सकता है। आप लोग कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक में समझ में आ गया। ऐसा बात नहीं है कि मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक बहुत जल्द ही आ जाता है, ऐसा बात कोई दिक्कत नहीं होता है। कॉपीराइट आप लोग अच्छी नहीं घड़बड़ाइएगा नहीं कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, उसमें बहुत कम ही लोग के आता है कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम बहुत कम लोग के आता है। आप लोग किसी का भी प्रमोशन कर रहे हैं ना कॉपीराइट स्ट्राइक, मान लीजिए अब कॉपीराइट क्लेम आता है कि मान लीजिए कि म्यूजिक ये सब आप लोग यूज करिएगा तब आप लोग के चला आएगा। लेकिन अब मान लीजिए कोई की वेबसाइट ये सब के आप लोग अथी कर रहे हैं तो मान लीजिए कि उसको उसके बारे में पॉजिटिव चीज़ बता रहे हैं तो आपको वो नहीं देगा कि चलिए उसका ही वेबसाइट का प्रमोशन हो जा रहा है,
उसे नहीं देगा वो, लेकिन उस पर मर्जी है कि मान लीजिए वो चाहता है कि नहीं हम दे सकते हैं तो वो भी दे सकता है, लेकिन आप अगर उसको पॉजिटिव के थ्रू यानी उसको अच्छा बात बताएंगे उसके बारे में तो आपको नहीं देगा, 100% श्योर है कि आप उसका यानी लगभग प्रमोट ही कर रहे हैं उसका, यानी उसका कोई भी वेबसाइट हो ऐप हो ये सब किसी का भी यानी प्रमोट ही कर रहे हैं तो आपको नहीं दे सकता है, दे नहीं सकता, दे भी सकता है लेकिन उस पर आप मर्जी क्या कर सकता है। आई होप कि दोनों आप लोग पता चल गया हो कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक में, सिर्फ आप लोग यही ध्यान रखना है कॉपीराइट क्लेम नहीं आए और कॉपीराइट स्ट्राइक मत आए नहीं दीजिएगा, यही आप लोग से उम्मीद है। अपना अगर यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो चलिए आप, आई होप कि आप लोग वीडियो यानी टोटल समझ में आ गया हो कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है। अब उन लोगों के पास शेयर करना इस वीडियो को जिन्होंने नया यूट्यूब चैनल बनाया है, उनको लोगों को पता नहीं है कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, उन लोगों के पास शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे किस तरीका से आप लोग को देखना है कॉपीराइट क्लेम, हमारा चैनल पे तो आ तो नहीं ना गया है कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं ना आ गया है, ईमेल ये सब आता है ऐसा बात नहीं है, आप लोग चैनल पे आप लोग चेक करते रहिएगा। इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, अगर कोई भी और भी कोई मतलब हमने बात बताने में छूट गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हमने ये नहीं बताया, आप लोग वो सवाल पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। मतलब वीडियो को लास्ट तक यहीं करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।